कैंपस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले सीक्वेंस में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि कनक आखिरकार जीत गई है आदित्य को घर में वापस लाने में। जैसा कि अब तक हमने शो में देखा था कि किस तरह से कनक किसी भी हाल में आदित्य और नंदा को एक्सपोज करना चाहती थी ताकि वो उमा शंकर को ये प्रूव करना चाहती है कि मासी सा कितने गलत है और किस तरह से उमा शंकर को बचपन से लेके अब तक अंधेरे में रखा था। लेकिन इसके अलावा शो में हमने देखा कि किस तरह से कनक को उमा शंकर से अलग होना पड़ता है क्योंकि उमा शंकर ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद कनक ने यह फैसला कर रखा था कि वो किसी भी हाल में आदित्य को घर में वापस ले आएगी ताकि नंदा की सच्चाई उमा शंकर के सामने आ जाए। तो अब शो के आने वाले सीक्वेंस में व्यूअर्स कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। दरअसल कनक आखिरकार आदित्य को घर में वापस ले आई है, लेकिन इसी के साथ एक बुरी खबर ये है कि आदित्य अपनी याददाश्त खोने का ढोंग कर रहे हैं और वो अपना नाम भी विकी बता रहे हैं। अब उमा शंकर बड़े ही प्यार से आदित्य का घर में स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदित्य विकी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। वो ये दर्शा रहे हैं कि उनकी याददाश्त जा चुकी है और वो किसी बड़े घराने से नाता रखते हैं, ना कि उमा शंकर की फैमिली से। तब शो के आने वाले सीक्वेंस में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से कनक आदित्य और विक्की का ये ड्रामा खत्म करती है। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी से जुड़ी तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम पर।